सब गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आपका भाई आकाश हाजिर है आकाश एक्सट्रीम ट्रेवलर के एक और एपिसोड के साथ। और दोस्तों आज 2021 का अपडेट लेके रेलवे स्टेशन का आए हैं, जो कि यहाँ से नए प्लेटफॉर्म पे कैसा काम चल रहा है और स्टेशन का किस तरह से निर्माण हो रहा है, और यहाँ से बलिया के लिए नए रूट का भी निर्माण किया जा रहा है हमारे रेलवे स्टेशन पे। चलिए आज आपको रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं और किस तरह से इस पर अभी काम पूरा हो चुका है और कितना काम बाकी है पूरा आपको वीडियो में आप दिखाएंगे। चलिए हमारे वीडियो में बने रहें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। गाइज अभी हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और आप देख सकते हैं अभी ट्रैक पे काम चल रहा है और प्लेटफॉर्म 2 पे ट्रेन आई है। और आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे लाइट वाला स्टैंड लगा है, और ये शेड्स लगाने के लिए छोड़ा गया है ताकि इस पे शेड्स लगाया जाए। और आगे देखते हैं, चलिए मेन रेलवे स्टेशन पर चलते हैं, कहाँ तक अभी इस पर काम हुआ है और कितना काम बाकी है। चलिए हमारे वीडियो में बने रहे और आगे दिखाते हैं आपको। और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेन फील्ड होगा, मेन कैंपस होगा रेलवे स्टेशन का, और ये नया गेट बन रहा है और इसमें टिकट काउंटर भी रहेगा और पूछताछ इंक्वायरी के लिए भी रहेगा। और आगे आपको दिखाते हैं किस तरह और आगे क्या क्या बन रहा है 2021 का अपडेट में, और आगे क्या क्या काम हुआ है। चलिए और आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरफ वर्कर्स लगा हुआ है, लोहा का काम चल रहा है, इधर पोल उल बन रहा है, धीरे जोर शोरों से काम चल रहा है इसमें। और वो मेरे सामने पेट्रोल पंप के सामने आप देख रहे हैं NH-30 है। तो गाइस आप मेरे सामने जो रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, यही ट्रैक बन रहा है जो आरा और बलिया वाला बनने वाला है, और इसमें भी इस सासाराम लाइन भी है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कितना जोरों शोरों से इसमें काम चल रहा है। गाइज इस वीडियो में देखा आपने किस तरह से रेलवे स्टेशन पे अभी काम चल रहा है और कितना काम बाकी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये अच्छा लगा वीडियो आपको, प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।